पर का हमारा टारगेट है ये वाला क्वेश्चन, create a web page that divide the web page into 4 frames. In one frame create 3 links that will display different HTML forms in the remaining 3 frames respectively. Fill each frame with a different background color. Frame should remain proportional even when the web page is resized. Okay, so we will try to achieve this question. Let's go step by step. पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. Okay, so इसको zoom out करने दो. Okay, so this is our question. डायरेक्टली फर्स्ट एक HTML एंड HTML कोर्स, कोई बॉडी टैग नहीं आएगा. फ्रेम सेट नाउ डिसाइड कि तुम्हें किस तरह के सेट चाहिए. क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि इट शुड बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. सो वी विल टेक कॉल्स अब तुम्हें कितने टोटल्स ने कहा था 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है, राइट. ओके, क्रिएट अ वेब पेज दैट डिवाइड द वेब पेज इनटू 4 फ्रेम्स. सो हमें 4 फ्रेम्स लेने होंगे, सबको इक्वल साइज दे देते हैं. 25% एंड लास्ट वाले को भी 25%. और इस फ्रेम को आप क्लोज कर देते हैं. फ्रेम सेट ना इसके अंदर हमें लेने होंगे 4 फ्रेम. ओके, फ्रेम src इक्वल टू ब्लैंक फॉर टाइम बिंग. फ्रेम src इक्वल टू ब्लैंक. Again frame src equals to blank. Frame src equal to blank. अब आउटपुट चेक कर लेते हैं. सक्सेसफुली फर्स्ट क्वेश्चन इज अचीव सक्सेसफुली. Now in one frame create 3 links that will display different HTML forms in the remaining 3 frames respectively. क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ना 3 लिंक्स आनी चाहिए, लाइक link 1, link 2, link 3. और अगर तुम किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर पहले लिंक का आंसर यहाँ पे, दूसरी का यहाँ पर और तीसरी का यहाँ पे आना चाहिए. ओके, सो ये हमारा टारगेट है. उसको अचीव करने के लिए हमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पर सब डालने पड़ेंगे हमें फ्रेम 1 HTML लिंक्स. टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही कर लिया. फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4. दिस इज आवर फ्रेम 1. फ्रेम 2 इज अ ब्लैंक. फ्रेम 3 को भी ब्लैंक रखा है एंड फ्रेम 4 को भी ब्लैंक रखा है. पहले मैं लिंक दे देता हूँ. और frame1.1.html यहाँ पे frame2.html. याद रखिए कि src में तुम्हारे HTML फाइल का नाम आएगा. frame4.html. ना frame 1 में मैंने पहले से लिंक बना के रखे हैं, ध्यान से देखना इस लिंक्स को. तो करना क्या है, एंकर टैग लेना है ahref. यहाँ पे अपनी उसने फॉर्म्स डिस्प्ले करने को कहा था, डिफरेंट डिस्प्ले फॉर्म. तो एक फॉर्म बना लेना. फॉर्म्स यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है तो मैंने बना लिया .html करके. मेन है टारगेट से ही वो डिफरेंट फॉर्म्स में खुलेगा. जहाँ पर टारगेट को मैंने यहाँ पे नंबर 2 दिया है, क्लिक हियर बोला है. सिमिलरली ahref टारगेट नंबर 3. ये टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट. ये टारगेट से ही हमारा पूरा काम हो जाएगा, ये सारी चीज़ डिस्प्ले होगी. पर ये टारगेट है क्या? ये टारगेट और कुछ नहीं है, इस फ्रेम का नाम है. हियर यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, इसको टारगेट नेम. फ्रेम का जो नाम रहेगा वहाँ पर वो टारगेट के तौर पे रहेगा. मीन्स इस फ्रेम पर ये पर्टिकुलर पेज को खोलो. सो आई विल नेम इट एज नंबर 2. सेम नेम इक्वल टू नंबर 3. लास्ट वाले को भी नेम इक्वल्स टू नंबर 4. यहाँ तक का पार्ट हो चुका है ना. रन करके टेस्ट करते हैं. like this. See, anybody can make this href link. अगेन में अगर आपको कोई डाउट है या तुम्हें कुछ डाउट आ रहा है ना, तो एक बार इसको देख लो एंड कॉपी दिस पार्ट. अगेन यू हैव टू मेक दिस फाइल्स बाय योरसेल्फ. जो चाहे वैसे बना लेना, कुछ नया नहीं लिया मैंने. लुक केयरफुली. सो अब इसको एक बार रिलोड करो एंड जब यहाँ पे आप तुम क्लिक करोगे ना, देन यू विल सी वन फॉर्म इज़ अपेयरिंग हियर. दोबारा क्लिक करने पे कोई रिजल्ट नहीं. सेकंड क्लिक करोगे तो यहाँ पर, एंड द लास्ट वन इज़ हियर. अब एक चीज़ बाकी है. फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़रा अलग से निकाल लेता हूँ यहाँ पे. अगर मैं इसे छोटा करूँ तो इसकी रिसाइज प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कह रहा था वो सीरियस. ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इन सब प्रोपोर्शनल रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो वो कैसे करेंगे इस टाइम? सिंपल गो हियर, यहाँ पे फ्रेम सेट में स्पेस देना. फ्रेम सेट में स्पेस एंड यहाँ पे लिखना नो रिसाइज. दैट्स इट, नो रिसाइज. चेक दिस. क्या है? रिलोड. इसकी रिसाइज प्रॉपर्टी हट गई. अब इसको छोटा करके देख लो. इट विल वर्क लाइक अ चार्म. सी, टेबल छोटा हुआ बट इसने अपना शेप नहीं छोड़ा. सो हियर वी अचीव योर सेकंड, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन होगा. सो 3 लिंक्स क्वेश्चन अटेम्प्टेड. फिल ईच फ्रेम विद डिफरेंट बैकग्राउंड कलर. फ्रेम शुड रिमेन प्रोपोर्शनल इवन व्हेन द फ्रेम वेब पेज इज रिसाइज. सो दिस पार्ट इज कवर, नाउ ओनली दिस पार्ट इज रिमेनिंग. फिल द ईच फ्रेम विद डिफरेंट कलर. Again open this, open a small window. यहाँ पर name it as use CSS, inline CSS use करना. Background colon say black, say colon black. यहाँ पे ले लो रेड, यहाँ पे ले लो सियान सियान, और यहाँ पे ले लो ग्रीन. नाउ सी द आउटपुट. फर्स्ट इसको सेव कर लो एंड चेक द आउटपुट. ईच फ्रेम इज डिफरेंट कलर. ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया है. अगर कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट कर दो. इफ आई विल बी ऑनलाइन, मैं जल्द से जल्द तुम्हें एक सोल्यूशन भेज दूँगा. सो लेट्स सी, आई होप यू अंडरस्टैंड. जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ.